हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपका रेलवे एग्जाम के बारे में, और यहाँ पे आपका एक ऑफिशियल ट्वीट आया है पीयूष गोयल जी का, तो आप लोग देख लो वो ट्वीट क्या है। और एक वीडियो सर्कुलर भी जारी किया गया है, तो आप लोग उस वीडियो को भी अच्छे से देख लेना। तो सबसे पहले जब आप ट्विटर पे जाओगे ना, ट्विटर सभी को फॉलो करना होता है, ठीक है ना। आप जितने भी स्टूडेंट हो, सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया से जुड़े रहो, ठीक है। सब लोग ट्विटर पे अकाउंट बनाओ, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाओ और सोशल मीडिया से इंटरेक्शन करते रहो। कोई भी अपडेट आता है तो आपका सबसे पहले ट्विटर वगैरह पे ही आता है। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी है, ट्विटर आईडी है, आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, कुछ पूछना होगा पर्सनली तो यहाँ पे पीयूष गोयल जी का ट्वीट है कि रेलवे एनटीपीसी का जो 35,000 से आपका अधिक रिक्तियाँ है, उसका कंप्यूटर आधारित परीक्षा का अंतिम चरण 23, 24, 26 व 31 जुलाई को निर्धारित किया गया है, और रेलवे में अपना भविष्य बनाने के इच्छुक सभी उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए शुभकामनाएं, ठीक है। और वीडियो सर्कुलर जो जारी किया गया है, सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देख लो। नेतृत्व अगर संकल्पबद्ध हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी किसी लक्ष्य को हासिल करने से नहीं रोक सकती हैं। कोविड की चुनौतियों के बीच भारतीय रेल की ओर से नौकरियों के लिए कराई जा रही परीक्षा इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी में 35,281 रिक्तियों के लिए 2,78,000 उम्मीदवारों का कंप्यूटर आधारित परीक्षा का अंतिम चरण 23, 24, 26 एवं 31 जुलाई 2021 को कराना निर्धारित किया गया है। इसके साथ सभी उम्मीदवारों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट स्टेज सम्पन्न हो जाएगा। इससे पहले 1,23,00,000 उम्मीदवारों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा 6 चरणों में 28 दिसंबर 2020 से 8 अप्रैल 2021 तक कराई जा चुकी है। परीक्षा पूरी तरह कोविड संबंधित दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करते हुए कराई जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का अनिवार्य उपयोग जैसे तमाम SOP का अनुसरण करते हुए परीक्षाओं का संचालन कराने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। भारतीय रेल, आपकी रेल। और कुछ लोग कमेंट करते हो कि सर ग्रुप डी एग्जाम के बारे में बताइए, तो मैं बार बार बोलता हूँ ना, न्यूज चैनल वालों का पहुंच बहुत दूर तक होता है, तो वो लोग कहीं ना कहीं रेलवे ऑफिसर्स वगैरह से बात करके ही अपने आर्टिकल में ये सारा न्यूज देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सच ही होता है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अगस्त में शुरू होने हैं पहले फेज के एग्जाम। ध्यान से देखना, ग्रुप डी के बारे में है, अगस्त में शुरू होने हैं पहले फेज के एग्जाम, क्योंकि आपका जो है सो 31 जुलाई तक तो एनटीपीसी ही है, और एनटीपीसी खत्म होगा तो ही आपका ग्रुप डी स्टार्ट होगा, है ना। यहाँ पे आपका दिया हुआ है, अच्छे से देख लो कि RRC ग्रुप डी है ना, अब जल्द ही ग्रुप डी पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए पहले चरण की ऑनलाइन CVT 1 परीक्षा शुरू करने जा रहा है। ऑनलाइन परीक्षा का पहला चरण अगस्त में शुरू किया जा सकता है। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले 1 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों की परीक्षा कई फेज में आयोजित की जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षाओं की डेट की घोषणा जल्द की जाएगी। रेलवे बोर्ड द्वारा पहले जारी की गई अधिसूचना के अनुसार RRV NTPC CVT 1 परीक्षा के खत्म होने के बाद, तो आपको पता है ना 31 जुलाई को एग्जाम खत्म होगा आपका NTPC CVT 1 का, ग्रुप डी भर्ती की परीक्षाएं शुरू की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो RRV NTPC 7th फेज एग्जाम 31 जुलाई तक आयोजित किए जाएंगे। यह परीक्षा का आखिरी फेज है, जिसका अर्थ है कि अब RRC ग्रुप डी CVT 1 एग्जाम शुरू होंगे। रेलवे बोर्ड एग्जाम डेट की घोषणा जुलाई के अंतिम सप्ताह में कर सकता है, ठीक है। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपका रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के बारे में निकलता है। इसी तरह का अपडेट वगैरह पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,
लेक्चर अगर समझ में आता है तो लाइक कर देना, नहीं समझ में आए तो डिसलाइक कर देना, लेकिन आपको एक्टिव रहना है, इनएक्टिव नहीं रहना है, ठीक है। आप लोग मन से एग्जाम का तैयारी करते रहो, मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय, थैंक यू।